तकरीबन 10 दिन तो हो गए ने। ये नहीं जाती ले जी, दूसरा कबूतर बांध के छोड़ने लगे हैं। इनू इस तरह बनी ना कि बाहर वाले पल पर जड़े है वो खुले रहन, जो तो खोलीए तो बिचो टांगया रहे कबूतर। पहले टांग देने तो इन बार लूज करके पहली कली दे विचों। ले जी ये सही तरीका है कबूतर बांधने का। एक दो तीन तीन पर चो कड़ी है। चलो लूजिंग रहेगी सही रहता है ताकि थोड़ा पुड़क के भी बहिए करेगा। सही हो गया ना बनना है। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते चलें दोस्तों। अपनी खाच किधर गई? अच्छा थले आ गया। इन अंदरों बनना है? बाहर बन के अंदरों बनना का। कैंची कितने गए? ऐ भाई पल्ला खोल के बहा दे रहा किस तरह। ऐ सही हो गया जी। बनने ना थोड़ा या ताकि इधर उधर भी आंदा रहे तो कोई मसला ना बने। आहो ऐ ना बिल्ली दे मुंह जी चलाई जावे। बिल्ली दे मुंह से नहीं आंदा। लुंडा भी नहीं? लुंडा उते ही बैठा है। ऐ अंदरों भी तीन? अंदरों चार होंगे। अंदरों चार क्योंकि कबूतर दिखता है। कबूतर का पल्ला बड़ा चंगा है। 20 लाख कबूतर है लेकिन कबूतर बहुत अच्छा। उस दिन सर देखी मादी अपनी चली गई 20 लाखी। मैं पता नहीं किन ने ना पाता नीवी वाले समान की धुनी च वड़ गई सी। उन्होंने भी बड़िया नस्ल है। हाँ वही ना खाली 20 लाखे तो नहीं होंगे कांटे भी होंगे ने। जरूरी नहीं 20 लाखा जरा ठप्पा ही हो गए। लो जी ये सही तरीका कार है कबूतर बांध। इन इंज ही छड़ना हूँ? ये इंज ही जाएगा बाहर अल्लाह की सपोर्ट। अच्छा उत्ते थले होएगा मेरे कहना ना? उत्ते थले होएगा। इतना को ताकत है वे ओ देखो। ओ वाली जी चंगी पली ताकत है। चपड़ी तो हिली नहीं। लो जी ये जी दोस्तों ये देखें कबूतर बांधने का सही तरीका। ये सिर्फ ऊपर नीचे मुश्किल से ऊपर चढ़ेगा ये कबूतर जाल पे। वैसे सही तरीका कार है। ये दूसरी साइड भी आपको दिखा रहे हैं ताकि जो सा जिन दोस्तों को नहीं समझ लगी वो एक बार फिर देख लें। ये देखें ये पहले तीले में गई सुई इसकी पहली जो तीली जो थी ना थोड़ी सख्त होती है थोड़ी सी मुश्किल होगी लेकिन उसके बाद तीलियाँ जो थी नरम होनी शुरू हो जाती जिस जिस तरह वो अंदर तीलियाँ आती हैं परों की वो नरम होती हैं तीलियाँ उसमें सुई आराम से चली जाती है वो मुश्किल नहीं होती। पहली जो एक दो तीलियाँ होती हैं ना वो थोड़ी सख्त होती हैं। ये देखें तीसरी तीली उससे नरम है चौथी उससे भी ज़्यादा नरम होगी। ये देखें ये पहले तीन हो गए पहला पा रहा कबूतर हो गए। हम छत लग गई ना खुले सही गुटक गुटक के रौनक लाई उन्हें। ले जी ये देखें पहले तीन बांध दी अब उसके बाद अंदर चार बनने सी। अब इसके जोन से ना ये हेल्प 1 इंची ये देखें जी धागा पाना और नहीं है ही धागे हो जाएगा। ये देखें जी अब ये कबूतर को अंदर से टांकने लगे हैं। ये देखें ये पहला पार ये दूसरा। कुछ लोग जो से हैं वो बक्सुए से भी बांधते हैं
हर बंदे का अपना अपना तरीका, लेकिन मुझे ये तरीका बहुत अच्छा लगा कि कबूतर जितना मर्जी सियाना हो कबूतर अपना कुंदा नहीं धागा खोल नहीं सकता, और जोर मार के अगर ऊपर भी जाएगा नीचे भी आएगा उड़ेगा भी तो वो धागा लूज़ होकर टूटेगा नहीं, क्योंकि सिलाइयों के अंदर से परों के अंदर से सुइयाँ जो सुई जो ना वो निकलती है। ये देखें जकड़ बंद वाला जोन सा ना कबूतर बंद आ गया, ये बामुश्किल जोन सा ना जाल पे चढ़ेगा ये कबूतर। अभी छोड़ के दिखाते हैं आपको, ये देखें ये पक्का हो गया काम। चल भाई ठीक हो गया ना, दो में पल्ले चेक करवा रहा खोल के। ये देखें जी, ये देखें कबूतर बिल्कुल जो था ना बामुश्किल जो था जाल पे चढ़ेगा। ये देखें उतर चढ़ेगा, देखते हैं नबील साहब जा रहे हैं ऊपर कबूतर छोड़ने, देखिए अगे ही ना निकल जाए। बस यही है, हैप्पी हो गए बह गया। असल में अभी निकाला था कबूतर जाल में से और बांध के इसको जो होता ना ऊपर ही छोड़ दिया टांग के। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते चले दोस्तों।